हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनस्टैक सॉल्यूशन में। सो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक मज़ेदार टॉपिक से कि आप अपना फर्स्ट फ्रीलांसर जॉब कैसे पा सकते हैं और आप होम टू वर्क कैसे कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में मैं यही पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि आप अपना फर्स्ट फ्रीलांसर प्रोजेक्ट कैसे पा सकते हैं और डेली बेसिस पे 500 टू 1000 कैसे अर्न कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में मैं पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप फ्रीलांसिंग जॉब कैसे पा सकते हैं और फ्रीलांसिंग जॉब के लिए कौन सा वेबसाइट्स है रिकमेंड करूँगा। उस वेबसाइट की मदद से आप फ्रीलांसिंग जॉब आसानी से पा सकते हैं और डेली बेसिस पे 500 टू 1000 अर्न कर सकते हैं। और आपको मैं वो जो रिकमेंड करने वाला, आप मेरे थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि फ्रीलांसर का मैंने लोगो लगाया है, उसका नाम कुछ नहीं, नाम ही है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर जो वेबसाइट है उसके मदद से आप फ्रीलांसिंग का जॉब पा सकते हैं। उसके लिए आपके पास रहना चाहिए बस एक आपका रिज्यूम और आपका डिटेल्स उसमें सबमिट करना है, रिज्यूम और उसको आपको सबमिट करना है। जिस तरीके का वर्क चाहिए, सपोज़ आपको डेटा एंट्री का वर्क चाहिए या वेब डेवलपिंग का वर्क चाहिए या टाइपिंग जॉब्स चाहिए या एज अ फ्रीलांसर आपको टाइपिंग जॉब करना है या नॉर्मली आप मोबाइल में भी टाइपिंग जॉब कर सकते हैं या आपको हिंदी राइटिंग से इंग्लिश राइटिंग में चेंज करना है या आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, उसी बेसिस पे आप फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आजकल का जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, एट पास, टेंथ पास या ट्वेल्थ पास न्यू जनरेशन जो है वो हमेशा फ्रीलांसिंग जॉब ढूंढती है, पार्ट टाइम, एज अ पार्ट टाइम और वर्क टू होम ऐसी जॉब ढूंढती है। तो यही सब जॉब्स मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हायर कर सकते हैं और कैसे हम लोग प्रोजेक्ट पा सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। सो आप बिना घबराए हुए इस वीडियो पूरा वीडियो देखिएगा और मैं इस पूरे वीडियो में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि अपना फर्स्ट फ्रीलांसर प्रोजेक्ट कैसे पा सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको सबसे टिप्स देता हूँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स देता हूँ, किसी भी वीडियो में नहीं दिया गया है। मैं आपको सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टिप देता हूँ। कोई भी आपको अभी न्यू कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई भी फ्रीलांसिंग जॉब आप शुरू करते हो या फ्रीलांसिंग आप करते हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये रहना चाहिए, एग्जांपल आपको 70% आपको पूरा वर्क आपका देना चाहिए और उसमें से 30% का आपको बेनिफिट लेना चाहिए। वैसा नहीं कि 50% का मैंने वर्क दिया तो 50% का मैं लूँगा भी, नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर आपको HTML आता है और आप वेब पेज क्रिएट करके आप फ्रीलांसिंग में या फ्रीलांसर में आप अपलोड करते हो, अपवर्क में आप जॉब ढूंढते हो HTML वेब पेज क्रिएट करने का, तो आपको मिल भी जाता है HTML वेब पेज क्रिएट करने का और आपको उधर प्रोजेक्ट भी आ जाता है। तो आपको बेस्ट से बेस्ट आपको वो वेब पेज तैयार करके देना है, बेस्ट से बेस्ट टाइम लगेगा चलेगा, बेस्ट से बेस्ट वेब पेज तैयार करके देना है और उसमें जितना बेनिफिट होता है उतना बेनिफिट आपको ले लेना है, ज़्यादा आपको स्कोप नहीं करना है क्योंकि ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपको कम ही बेनिफिट मिलेगा। और आपको बस मेरे कहने का मतलब यही है कि आप दूसरे को आपका वर्क ज़्यादा दो और आपका उसका बेनिफिट कम लो, ऐसा नहीं कि आप पूरा लॉस में चलोगे। मीन्स आपको उसमें कुछ अभी कमाना है, मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन रखना है आपका कुछ भी चीज़ में। सो फ्रीलांसिंग इसी को कहते हैं कि स्टार्टिंग में आपको वर्क टू वर्क, आपको मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा वर्क करना है कि आपके पास कस्टमर जो है कंज्यूमेशन जो होता है वो आपके पास आ जाए। तो इसी तरह मैं फ्रीलांसर का मैं आपको एकदम बेहतर जो था टिप्स वो आपको दे दिया। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट की मदद से फ्रीलांसिंग का जॉब कैसे पा सकते हैं। सो चलिए देख। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपने स्क्रीन के गूगल स्क्रीन पे आ गए। गूगल स्क्रीन पे आपको सिंपली टाइप करना है freelancer.com। सो मेरा इधर आया हुआ है freelancer.com। सो मैं इधर क्लिक करता हूँ और इधर मैं एंटर करता हूँ जैसे कि freelancer.com। तो freelancer.com एंटर करने के बाद मेरे सामने एक ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो इधर नॉर्मली आपको दिख रहा होगा freelancer.com या फिर इधर से भी इससे भी क्लिक करके आप खोल सकते हो। तो मैं नॉर्मली freelancer.com को खोलता हूँ। जैसे ही मैं freelancer.com में खोलता हूँ, कुछ इस तरह मेरा freelancer.com का वेबसाइट ओपन होगा। और जैसे ही मेरा freelancer.com का वेबसाइट ओपन होता है तो आपको इधर लॉगिन, साइनअप या पोस्ट ए प्रोजेक्ट ऐसा सब का आपको ये एंट्री आएगा। सो इधर आप देख सकते हैं फ्रीलांसर का पोर्टफोलियो कैसा है। सो बहुत ही अच्छा है।
सिंपली आपको कुछ नहीं, आप कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको अगर किसी को हायर करना है, कोई फ्रीलांसर को हायर करना है, तो आप इधर से हायर कर सकते हैं। या आपको जो डेली बेसिस पे मैंने बताया था 500 to 1000 अर्न करना है, सो आप इधर क्लिक करके आप फ्रीलांसिंग का जॉब पा सकते हैं। तो अर्न मनी फ्रीलांसिंग आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको सिंपली इधर साइन इन करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। तो आप इधर अपना जीमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी वो लिख सकते हैं। तो मैं नॉर्मली अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ, आईडी डालना है। उसके बाद आपको इधर पासवर्ड लिखना पड़ेगा, तो मैंने इधर पासवर्ड डाल दिया है, आई अग्री टू द फ्रीलांसर। में जाके ज्वाइन फ्रीलांसर में क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ज्वाइन फ्रीलांसर में क्लिक करता हूँ, इधर आपका ये आएगा, तो आपको इधर सेव कर देना है। सो उसके बाद चूज़ ए यूज़र नेम, आपको इसमें आपका अच्छा यूज़र नेम चूज़ करना है जो आपका नाम है। तो इधर सजेशन मेरा यूज़र नेम दे रहा है शाह अंश 203, तो मैं अपना यूज़र नेम लगता हूँ नॉर्मली। सजेशन से आपको पिक कर लेना है, क्योंकि इधर ही आसान पड़ेगा। तो मैं सजेशन से पिक कर लेता हूँ अपना यूज़र नेम शाह अंश 203, दिस इज़ द माई यूज़र नेम ऑफ फ्रीलांसर। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू हायर, जैसे कि आपको पहले भी शो कर रहा होगा, तो आपको आई वॉन्ट टू वर्क में क्लिक करके फिर ये ओपन होगा। बहुत ही अच्छे तरह से साइन अप सक्सेस हो गया है मेरा, फिर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको इधर सर्च ए स्किल, जो स्किल आपको आता है, अगर आपको टाइपिंग जॉब चाहिए या फिर आपको जो भी तरह का जॉब चाहिए, वो आप इधर से अप्लाई कर सकते हो। इधर एग्जांपल दिया हुआ है कौन से कैटेगरी में आपको चाहिए, राइटिंग कंटेंट, जैसे कि टाइपिंग जॉब राइटिंग कंटेंट, डेटा एंट्री चाहिए तो डेटा एंट्री, इंजीनियरिंग साइंस। सो इस तरह से आप इधर जॉब पा सकते हो। सो मैं नॉर्मली इधर कंटेंट राइटिंग कंटेंट के ऊपर जाता हूँ। राइटिंग कंटेंट में आपको आ जाएगा कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कॉपी राइटिंग तो आप जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल जॉब होता है कॉपी राइटिंग। जो भी आपको इधर दिया रहेगा उसको कॉपी करके लिखना है। तो सबसे पहले मैं कॉपी राइटिंग में क्लिक करता हूँ। सो इधर मेरा 1 out of 20 स्किल्स सिलेक्टेड, मीन्स 20 स्किल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो आप 20 स्किल्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इधर कॉपी राइटिंग का एक सिलेक्ट कर दिया है, और इधर मैं कॉपी राइटिंग और ब्लॉग का भी मेरे को है, तो ब्लॉग और कॉपी टाइपिंग, इधर कॉपी टाइपिंग भी सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मल। और इधर आपको बहुत सारा कैटेगरी सामने आएगा, आपको कुछ ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। सो मैं इधर ये सब सर्च करता हूँ, बस नॉर्मली मैं यही सब कैटेगरी में जॉब चाहिए। और सर्च ए स्किल, आपको जो स्किल चाहिए, स्किल है आपके पास, सो आप इधर स्किल भी ढूंढ सकते हो। कॉपी टाइपिंग तो हो गया, नॉर्मली मैं टाइपिंग भी कर लेता हूँ इधर टाइपिंग। उसके बाद आपको अगर HTML आता है तो HTML के थ्रू भी आप जॉब ले सकते हो। तो मैं इधर HTML ले लेता हूँ, और ये भी HTML ले लेता हूँ। तो इस सब के कैटेगरी में आपको जॉब आ जाएगा। सो आप जैसे ही ये सब कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जो जो कैटेगरी आपको आता है, जिसमें आपको जॉब चाहिए, अगर वेबसाइट डेवलपर का जॉब, डेटा एंट्री चाहिए तो डेटा एंट्री का जॉब मिल जाएगा। सो आपको जो जो चाहिए वो आप सिलेक्ट करके नॉर्मली इधर नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, तो इधर आपको आ जाएगा इधर लिंक योर अकाउंट। तो आपको आपका अकाउंट लिंक कराना पड़ेगा किसी भी चीज़ से। तो मैं अपना अकाउंट फेसबुक से लिंक कराता हूँ। सो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको फ्रीलांसिंग का जॉब चाहिए, तो आपका एक अकाउंट लिंक कराना पड़ेगा। तो मैं फेसबुक का लिंक कराता हूँ नॉर्मली। तो मैं लिंक करा दिया, लॉगिन हो चुका है, तो मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा, उसके बाद मेरा इधर नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो मैं इधर नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। सो आपको इधर मैं प्रोफाइल डाल देता हूँ, मैंने पहले से डाला हुआ है। तो इधर नॉर्मली मैंने प्रोफाइल सिलेक्ट कर दिया है। प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद आपका नाम लिखना है, फर्स्ट नेम अंश, इधर मैं शाह लिखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप इधर आ जाते हो, व्हाट डू यू डू, तो राइट ए 1 लिंक डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ। सो आप क्या करते हो, आपको किस तरह का जॉब चाहिए। तो मैं नॉर्मली इधर डेटा एंट्री भी लिख सकता हूँ, तो मैं डेटा एंट्री लिख रहा हूँ, कि डेटा एंट्री के रिलेटेड भी जॉब मिल जाएगा तो अच्छा है। डेटा एंट्री, सो मैंने इधर डेटा एंट्री लिख दिया। फिर डिस्क्रिप्शन में आपके बारे में कुछ आप लिख सकते हैं। सो आप टाइप किया है अपने बारे में, आपको अपने बारे में कुछ बताना है। नॉर्मली आप 2 लाइन का भी कुछ लिख देंगे तो भी हो जाएगा। सो इधर नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो आपको क्लिक करना है। कुछ नहीं, मैंने लिखा है माय नेम इज़ अंशा एंड आई एम 17 इयर्स ओल्ड नाउ, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, आई एम अ हार्ड वर्कर, और सो आई एम सर्चिंग फॉर फ्रीलांसर जॉब। नॉर्मली मैंने इधर डिस्क्राइब योर सेल्फ लिखा है, तो
उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे ही आपका नेक्स्ट हो जाता है, आपको इधर व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, तो आपको आपका लैंग्वेज स्पीक इधर सिलेक्ट करना है। तो आप कौन सा लैंग्वेज में स्पीक कर सकते हैं, तो मैं हिंदी में भी स्पीक कर सकता हूँ और इंग्लिश में भी स्पीक कर सकता हूँ। सो मैं दो लैंग्वेज इधर डाल सकता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। तो व्हेन योर वेयर, व्हेन वेयर यू आर बॉर्न, तो आपका बर्थडे डाल देना है। तो मैं इधर डाल देता हूँ, सो आपका नॉर्मली इधर बर्थ डेट भी डाल देना है। बर्थ डेट डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, उसके बाद वेयर आर यू लोकेटेड, आपका लोकेशन पूछेगा। ये प्रोसेस कुछ लेंदी नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि इन लोग पूरा इंक्वायरी निकाल के, ये पूरा जेन्युइन है, आपको कहीं भी रिक्वायरमेंट तो होगा ही। सिलेक्ट करने के बाद आपका सिटी आएगा, तो सिटी सिलेक्ट करना है। फिर आपका पिन कोड जो है, पिन कोड सिलेक्ट करना है। पिन कोड के बाद मैं पिन कोड सिलेक्ट करता हूँ इधर अपना, तो आप को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इधर आ जाता है ऑलमोस्ट देयर, अंस चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। सो उसके बाद आपको एक ईमेल सेंड किया होगा फ्रीलांसर की तरफ से, एक ईमेल सेंड किया होगा, तो आपको इसको चेक करना है। तो इधर मैं चेक करता हूँ कि इधर एक ईमेल आया, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर इसके बाद आपका ईमेल खोलना है, मेल जो है आपका मेल खोलना है, और आपको उधर एक्सेप्ट करना है फ्रीलांसर की तरफ से जो मेल आया होगा उसको एक्सेप्ट करना है। सो इधर देखिए, इधर आपको मेल आया वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस योर, सो इधर वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस फ्रीलांसर, हाय वी आर फ्रीलांसर डॉट कॉम टेक द ट्रस्ट। तो वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस में आपको इधर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, तो आपका वेरीफाई इधर ओके हो जाता है कि हाँ आप फिर, सो इधर थैंक यू, तो नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद इधर वेरीफाई पेमेंट मेथड, सो आपको आपका डेली बेसिस पे 500 टू 1000 जो है कैसे पेमेंट चाहिए उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो वेरीफाई योर पेमेंट, सो आपका बैंक अकाउंट जो है इसमें लिंक कराना है, जिससे आपको जो फ्रीलांसर का वर्क मिलेगा या प्रोजेक्ट मिलेगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। सो आपका बैंक अकाउंट या बैंक कार्ड को लिंक कराना है इधर। ये होने के बाद वेरीफाई पेमेंट मेथड में आप क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको वर्क, आपको जो वर्क आप सर्च किए वो वर्क में आप जाएंगे, फिर उसमें वेरीफाई हो जाएगा। फिर मैं नॉर्मली स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। जैसे आप बैंक अकाउंट लिंक कराते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ वेरीफाई पेमेंट मेथड में करता हूँ, उसको स्किप कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। स्किप करने के बाद स्टार्ट योर फ्री मंथ, सो आप इधर से आप स्टार्ट कर सकते हो फ्री मंथ। तो मैं इधर स्किप करता हूँ, ये भी स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद आपके सामने ये रिजल्ट ओपन हो जाता है, आप फिर फ्रीलांसिंग का जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको आ भी गया है इधर टॉप रिजल्ट, गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग रजिस्टर आवर गूगल सीईओ। सो आपको इधर करना है कि प्रोजेक्ट टाइप होल्डली फिक्स प्राइस या होल्डली रेट, तो मैं होल्डली रेट में फिक्स करता हूँ। उसके बाद मिनिमम कितना चाहिए आपको, तो मिनिमम मैं इधर लिख देता हूँ 1000, मैक्सिमम 1000 maximum. सो आपने जो पहले स्टार्टिंग में जो स्किल सिलेक्ट किया था वो सब स्किल्स है, और फिर लिस्टिंग टाइप फ्यूचर एनडीए, तो प्रोजेक्ट लोकेशन भी आप डाल दिया, एंटर ए लोकेशन आपको डालना है कि कहाँ से आपको प्रोजेक्ट चाहिए। तो मैं इधर नॉर्मली एक लोकेशन डाल देता हूँ, नाला सुपारा। सो मैं इधर एक लोकेशन डाल दिया हूँ। लोकेशन डालने के बाद क्लाइंट कंट्री कौन सा है आपका, तो मैं इंडिया डाल देता हूँ। इंडिया डालने के बाद इधर आपको लैंग्वेज में तो इंग्लिश हिंदी सिलेक्ट किया हुआ ही है। उसके बाद आपको इधर डिटेल्स फिल करने के बाद आपको इधर सर्च,
फिर जैसे ही आप ये सब के लिए अप्लाई करते हो, आपको इधर बहुत सारा जॉब के लिए अभी से नोटिफिकेशन आ गया है, सो आपको नोटिफिकेशन में देखना है कि कौन सा अभी आया है आपका। तो आपको इधर एक डेटा एंट्री क्लर्क का आ गया है जॉब, और इसका आप देख सकते हो क्या पोस्ट है। कंटेंट राइटिंग का भी आ गया है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं इधर कि प्रोजेक्ट डिटेल्स आप इसमें ले सकते हो। सो आप इसके बाद इस तरह कॉल करके, ये कंपनी में कॉल करके आपको सब कंपनी का नंबर आ जाएगा। तो इधर कंपनी का नंबर भी आ गया है, डेटा एंट्री के लिए रिलेटेड आपको जॉब मिल गया है। जॉब तुरंत आपको इधर नोटिफिकेशन आ जाता है। सो योर स्किल के हिसाब से मैंने अपना फ़ोटो और प्रोफाइल लगा दिया, एड्रेस दे दिया था। उसके बाद आप HR से डायरेक्ट बात कर सकते हो कंपनी का। और ये जो है डेटा प्रोसेसिंग, एक्सेल और वर्ड कॉपी राइटिंग, ये सबका जॉब प्रोवाइड करती है। और सैलरी इधर देख सकते हैं 12,500 इधर का सैलरी है इंडियन 1 month का। सो आप इसमें ऐसे ही जॉब पा सकते हो। सो आसानी से मैं, और आपको नोटिफिकेशन आया है जॉब का, सो आप देख सकते हो रिमोट डेटा एंट्री लुकिंग फॉर साइबर HTML इंडिकेटर। तो मैंने HTML भी डाला था, तो HTML का भी जॉब आया है, ग्राफिक डिज़ाइन CSS। तो लास्ट आपको HTML का जॉब दिखा देता हूँ, और आपको दिखा देता हूँ कैसे आप जॉब पा सकते हो। उसके बाद आपको इधर कम्प्लीटली आपका प्रोफाइल शो हो रहा है, आपको जॉब डिटेल्स शो हो रहा है। तो इसी तरह आप इसमें जॉब अप्लाई करके जॉब पा सकते हो। आपको इधर नोटिफिकेशन आते रहेगा कौन सा आपको जॉब लगा है, तो आप एज अ फ्रीलैंसर इधर से प्रोजेक्ट पा सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही था कि आप फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट पा सकते हो, इसके मदद से आप पूरा साइन अप करके फ्रीलैंसिंग का जॉब पा सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही था। सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।